आपका रेल मार्ग वाला भी काम शुरू हो जाएगा। आपके आजमगढ़ से जितनी ट्रेनें रुकी है कोविड के समय में वो भी शुरू हो जाएगी। आप लोग जो नई ट्रेनें यहाँ से चलवाना चाहते हैं वो भी शुरू होगा। इसमें दो राय नहीं, जो लोग ये सोच के कमल खिलाए हैं कि हम जो पिछड़ गए, हमारा जो हर काम रुक गया, वो कैसे होगा? वो तभी होगा जब हम सत्ता के साथ जुड़ेंगे। और आपने सत्ता के साथ जुड़ के अपना काम कर दिया है, अब बाकी का काम सत्ता करेगी। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। पूजनीय हमारे योगी आदित्यनाथ जी और पूजनीय प्रधानमंत्री जी, दोनों लोगों ने ये मन बना लिया है, ये तय कर लिया है कि हम जब 24 के चुनाव में आपके पास आएंगे उसके पहले आपके आजमगढ़ का हर काम चलना शुरू हो जाएगा, तो ही हम आपके बीच में आएंगे और आपका आशीर्वाद लेने आएंगे। तो ही आप भी उसी मजबूती के साथ खड़े हो जाएंगे कि हाँ, मेरे सेक्टर का ये काम था ये शुरू हो गया, ये मेरे विधानसभा का था, ये मेरे ब्लॉक का था, ये काम शुरू हो गया। तो ही आपको भी वो मजबूती मिलेगी, वो भरोसा मिलेगा। तो आप लोग एकदम निश्चिंत रहिएगा, आपने एकदम सही निर्णय लिया है, आपने कमल खिलाया है और कमल पे बैठ के सीधे लक्ष्मी माई आजमगढ़ आ रही है। एकदम किसी को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपने एकदम सही निर्णय लिया है। मैं एक बार फिर से अपने सभी जितने वरिष्ठ नेतागण हैं मंच पे विराजमान है, पूर्व जिला अध्यक्ष अध्यक्ष जी और जितने भी हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष